and sit down. इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोज़ पर ये आप रोजाना यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं जो है इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे हूँ। यहाँ मधुबनी ज़िला बिहार जयनगर के मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर आपको कमला नदी है जो इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पर। यहाँ पर जो है हर साल यहाँ पे नेपाल से पानी आती है और यहाँ पे जो है बिहार में तबाही मचा के रखती है। मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ ये पुल आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो पुल है अभी पानी इसमें नहीं है। जब ये बाढ़ का टाइम आता है तो यहाँ पे पानी आता है। यहाँ पर देख रहे हैं स्नैप वगैरह जो हाउस है उसमें स्नैप वगैरह रहता है। दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पर आपको चूप करके दिखा रहा हूँ। बच्चे वगैरह जो है इसमें जल क्रीड़ा कर रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं बच्चे वगैरह नहा रहे हैं और ये देखिए कितने छोटा छोटा बच्चे हैं। मैं आपको थोड़ा और जूम करके करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए बच्चे वगैरह जो है यहाँ पे नहाते हैं। यहाँ पे देखिए है ना, ये बच्चे सब वगैरह है जो एक दूसरे से पानी या कुछ पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे देखिए देखिए यहाँ देखिए ना, ये बच्चे हैं जो नहा रहे हैं और इस साइड में देखिए छोटे छोटे बच्चे सब यहाँ पे हैं खेल रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे बच्चे वगैरह नहा रहे हैं। इस साइड में जो है कुछ औरत वगैरह भी है यहाँ पे नहा रहे हैं। वहाँ पर आप देख रहे हैं कि पूरा यहाँ पे वही जो है बाढ़ का टाइम नहीं होता, यहाँ पे सूखा पड़ा हुआ है। और उस साइड में देख रहे हैं कि जो तरबूज जो होते हैं ना, तरबूज होते हैं हरा भतिया खीरा होते हैं जो उस साइड में अभी जो है जो यहाँ का किसान है फार्मर है वो सब उजाते रहते हैं और यहाँ से जो है आपको मिलेगा मंडी में। मैं आपको मंडी भी दिखा दूँगा जहाँ पर जो है खीरा हरा भतिया तरबूजा वगैरह बेचते रहते हैं इसी में से ले जाके। यहाँ पर देख रहे हैं कि अभी पूरा सूखा हुआ है और इस साइड में देख रहे हैं कि पानी अब चलता हुआ नजर आ रहा है। पानी अभी थोड़ा थोड़ा निकलते रहता है, ये जो सालों भर थोड़ा थोड़ा पानी निकलते रहता है इससे तो देख रहे हैं ब्रिज है इसे तो बहुत सारा यहाँ से देख रहे हैं। आप इसको गिनना चाहते हैं तो इसको गिन सकते हैं, देखिए कितना है इसका। अगर गिनना चाहते हैं आप तो आप पॉज कर करके इसको आप गिन सकते हैं। और यहाँ से देख रहे हैं जो अब रेड मार्का लगा हुआ है इसमें, यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 इतने सात जो है इसमें रेड मार्का लगा हुआ है। इसी से अब थोड़ा थोड़ा पानी निकलते रहते हैं, बाकी जो है बंद रहता है। यहाँ पर देख रहे हैं कुछ इस तरीके से जो है कमला नदी है इंडिया नेपाल के बॉर्डर पर है और यहाँ से आपको पानी मिलता हर साल जो है बिहार यहीं से पानी मिलता है। बिहार सब दवाई एक ये हो गया, एक हो गया बिहार इससे भी बहुत ज़्यादा क्षति होती है। इस बार तो हो गई इसकी जो ब्रिज है देख रहे हैं ऊपर से देख रहे हैं जो पाइप वगैरह चल रही है इसके ऊपर से है ना पानी निकल रहा था, समझ सकते हैं इसके ऊपर से पानी निकल सकता है निकल रहा था। और इधर आप देख रहे हैं कि पूरा इधर गांव वगैरह कस्बा वगैरह यहाँ पर मिल जाता है इस तरीके से। देख रहे हैं कि मंडी लगा हुआ है, यहाँ पर देख रहे हैं कि मंडी लगा हुआ है जो यही कमला नदी से तरबूजा और हरा बतिया निकलता है। यहाँ पर देख रहे होंगे हरा बतिया और तरबूजा निकलता है तो ये जो है मंडी लगा हुआ है। मैं अभी आपको दिखाया हूँ वही यहाँ पे जो है लाइन से लगा हुआ दुकान सब है ना, यहाँ पर आपको लाइन से ही मैं इसका रेट पूछता हूँ कैसे बताता है। हेलो भैया, हेलो कैसे है? बोला 120 जबकि मैं इसको जो है 90 रुपीज़ में इसको लेके गया था पसेड़ी, अभी 120 बता रहा है। तो इसी तरीके से जो रेट बढ़ते घटते रहता है। आगे भी मंडी लगी हुई है, यहाँ पे देख रहे हैं कि जो नहर है इसके रोड साइड में जो है शॉप वगैरह लगी हुई है। मैं यहाँ से 90 रुपया में लेके गया था और यहाँ मैं आज बात करता हूँ तो यहाँ कितना बताता हूँ, यहाँ पूछ लेता हूँ यहाँ पर कितना बता रहा है पैसा।
कैसे भैया, कैसे दिया है? कैसे पसेरी? पसेरी में सवा सौ यानी 25 रुपए किलो, ओने 30 रुपए कंप्यूटर चाहिए ला, ओने 30 रुपए किलो 25 और तरबूज है 4 किलो का तरबूज है। सुन लीजिए, इस तरीके से यहाँ पर रेट है 25 रुपये किलो, 30 रुपये किलो, यहाँ पर हिसाब से आप पसेरी लगा लो सकते हैं। यही मीन मंडी है, यहाँ पर आप खुलान से ही मंडी मंडी मिल जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे इसको जो वेट कर रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं वेट कर रहा है, यहाँ पे इसको वेट कर दिया, और यहाँ पे इसको वेट करके डाल, यहाँ पर देख रहे हैं कि मैं आपको मैप दिखा रहा हूँ। ये मैप है, यहाँ देख रहे हैं कि बहुत सारा गर्तों गुबार पड़ा हुआ है इसमें। ये मैप है, इसको ठक्का रखता है, वैसे भी मोड़ दिया थोड़ा सा देखने के लिए पब्लिक के लिए कि कैसे कैसे पानी निकलता है यहाँ पे जो है कमला नदी से। तो वो जो यहाँ पे आपको नक्शा यहाँ पे मिल जाएगा, है ना। मैं वहाँ से जो घर दिखा रहा था छोटा सा, वो यही घर है जहाँ पे नक्शा बने रहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको, है ना। ये मैप है, यहाँ से आप देख रहे हैं कि यहाँ से पानी जो है कहाँ कहाँ निकलती है, उसका ही यहाँ पे जो है पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे दे रखा है। जो भी नक्शा है यहाँ पे ऐसे ही पानी यहाँ पे निकलता है। यहाँ पर देख रहे हैं कमला नदी है, यहाँ मैं आपको वीडियो बना के दिखा रहा हूँ एक जेट, है ना, ताकि आप ये नहीं समझे कि गलत है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस साइड में जो है पानी वगैरह रहता है, जहाँ पे यहाँ पे देख रहे हैं सामने यहाँ मीटर लगा हुआ है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पे जैसे जैसे यहाँ पानी बढ़ता है ना, इस मीटर जो लगा हुआ है ये मीटर में शो करते रहता है। ये मीटर है आपका, इधर से पानी भी निकलता है, इस साइड से आपका पूरा पानी निकलते रहता है बाढ़ के टाइम में। और ये होगी आप देख रहे हैं पूरा, ये नेपाल रहता है इधर, है ना, इधर से ही पानी आता है बिहार में कमला नदी में। तो यहाँ पर देख रहे हैं पूरे उधर है नेपाल ही है। और ये होगी आपका ब्रिज, है ना, यहाँ पर बड़े बड़े जो है टैंक लगाए हुए हैं। इस तरीके से मैं आपको जूम आउट करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पर जो है जब यहाँ फाटक है, तो फाटक को इसी से खोला जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि फाटक को इसी से खोला जाता है। आप देख रहे हैं कितने हैं यहाँ से लगे हुए, यहाँ पर देख रहे हैं जितने हैं यहाँ पे पूरे से है फाटक को खोला जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये सब है फाटक को खोलने वाला। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नीचे पानी है, यहाँ पर जूम करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए नीचे पानी है, है ना। इस तरीके से पूरे है, यहाँ पे देख रहे हैं लाइन से लगा हुआ है, इसको खोलता है बाहर निकालने के। फाटक नीचे है, मैं आपको फाटक भी दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए लगा हुआ है नीचे फाटक। इसको लोहा जो नीचे लगा हुआ है ना, इसी को खोलता है, जो है क्रेन बना हुआ है देख रहे हैं, इससे ही जो है खोलता है इसको। जो बाढ़ के टाइम जो बंद, अभी तो बंद है, नीचे काट दिया रहता है, जब पानी ज़्यादा बढ़ता है तो इसी से है ना इसको जो है खोल देता है, ऊपर कर देता है, ताकि पानी जो है जल्दी से निकल जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं, मैं यहाँ पे कुछ और दिखा दूँ, यहाँ पर देखिए कितने लगे हुए हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 लगे हुए हैं यहाँ पे। यहाँ पर से आपका जो है बरसात के टाइम में पानी जो आता है ना, बाढ़ आता है, इसी फाटक जो है लगा हुआ है खोलने वाला, इसी से खोलता है। सब लाइन से देख रहे हैं आप, इसी से खोलता है। और नीचे मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर देखिए पानी है, यहाँ पर कुछ लड़के वगैरह नहा रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर नीचे नहा रहे हैं, देख रहे हैं नहा रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं नीचे लड़का नहा रहा होगा यहाँ पे। तो इस तरीके से फाटक है, नीचे फाटक पे लड़का सब था, यही फाटक को जो है बरसात जो बाढ़ के टाइम आता है, बरसात जो होता रहता है, तो इसी फाटक से है ना खोलते रहते हैं। और नीचे मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ, यहाँ पर देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, नीचे पानी है, पूरे पानी है यहाँ भरे हुए, है ना। और यहाँ पर जो देख रहे होंगे थोड़ा दीवार जो है, इसी से इधर पानी निकलता है, उधर सूखा है, और इधर से ही पानी निकलते रहता है, हल्का हल्का पानी निकलते रहता है, है ना, थोड़ा थोड़ा पानी करके यहाँ से निकलते रहता है, पानी सूखता नहीं है, इसमें पानी निकलता ही रहता है। यहाँ पर देख लीजिए कि इधर से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ कुछ फाटक जो है बंद करके रखे हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको जूम आउट करके दिखा रहा हूँ, कुछ कुछ जो है बंद है और कुछ खुला हुआ है, यहाँ पर देख रहे हैं कुछ कुछ बंद है कुछ कुछ खुला हुआ। जब बरसात आता है और पानी जो बाढ़ का टाइम आता है, तो वहाँ पर देख रहे हैं जो यहाँ पे लोहे का शिविर यहाँ बना हुआ है, वहाँ उस साइड में भी आपको यहाँ मिल जाएगा, 1 2 3 4 और इस साइड में तो 7 बना हुआ, तो इससे भी फाटक जो लगा हुआ है ना नीचे लोहा का रहता है, आप देख ही रहे होंगे लोहा का है, तो इसको जो बरसात के टाइम में इसको खोलता है।
लगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। मैं बहुत मेहनत से ये वीडियो शूट किया हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके का नया नया वीडियो बनाते आप सबके लिए लाता ही रहता हूँ। यहाँ देख रहे हैं कि ये जो है जाता है नेपाल की ओर रास्ता, यहाँ से देख रहे हैं नेपाल की ओर चल जाता है। और इधर से भी आप जो है ये वाला रास्ता देख रहे हैं नेपाल की ओर, इस तरीके से यहाँ नेपाल की ओर ऐसे चल जाता है, यहाँ देख रहे हैं नेपाल की ओर चल जाता है। आज वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके का नया नया वीडियो पर डे अपलोड करते रहता हूँ।